अक्सरक्षणी उसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं और उत्तेश गुप्ता दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आतंकी गतिविधियों की बात करें तो पिछले कई दिनों से आतंकी गतिविधियों में इजाफा देखने को मिला है। और आज की बात करें, आज शाम की बात करें, आज शाम को एक बार फिर से लाल बाजार श्रीनगर में पुलिस की नाका पार्टी पर आतंकी हमला किया गया। जी हाँ, फायरिंग की गई और इस घटना में 3 पुलिसकर्मी जो हैं पहले घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद ने जख्मों के ताप न सहते हुए दम तोड़ दिया। जी हाँ, आतंकी गतिविधियों की बात करें तो लगातार से इजाफा हो रहा है। वो आतंकवादी अपने होने का एहसास करा रहे हैं। शोपियां की बात करें या फिर जिस तरह से पुलवामा में आईडी का मिलना, कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आतंकी जो है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी की फिराक में है। आतंकवादी लगातार अपने होने का एहसास करा रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोलिंग पार्टी को इस बार निशाना बनाया गया, कहीं ना कहीं जो है बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा चल रही है और यात्रा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आतंकवादी जो हैं लगातार होने का एहसास करवा रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसीज जो हैं काफ़ी सतर्क हैं, लेकिन आतंकवादी जो हैं वो बार बार अपनी एक्टिविटी को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर से श्रीनगर के लाल बाजार में पुलिस नाके पर हमला किया गया, पुलिस नाके को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी पहले जख्मी हो गए और बाद में एक पुलिसकर्मी ने जख्मों के ताप न सहते हुए दम तोड़ दिया। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस समय लखनपुर से लेकर अमरनाथ के ट्रैक पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, उसी बीच में इस तरह की कोई भी वारदात होना कहीं ना कहीं जो है संदेह के घेरे में खड़ा करता है हमारे सुरक्षा तंत्र को। क्या हमारा सुरक्षा तंत्र अभी वीक है, इस पर जो है प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन आतंकवादियों की बात करें तो आतंकवादी लगातार अपने होने का एहसास करवा रहे हैं, लगातार अंजाम दे रहे हैं वारदात को। शोपिया की बात करें, पुलवामा की बात करें या फिर लेटेस्ट श्रीनगर के लाल बाजार पुलिस नाका की बात करें। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।